जी, मेरा नाम उमर सलामत है, मैं DPO गुजरात हूँ। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को और बिलखसूस गुजरात के मौजूद शहरियों को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबादें हूँ। ईद के इस मुसर्रत मौके के ऊपर मेरी ये दुआ है कि हम सब अपने बच्चों, अपनी फैमिलीज और के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इज़्ज़त, सेहत और सलामती के साथ ढेरों खुशियाँ नसीब। इस ईद के मौके के ऊपर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। 2500 से ज़ायद अफसरान और जवान जो है वो ईद के ऊपर अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर मौजूद होंगे, मामूर होंगे। बाज़ारों में पैदल गश्त भी हो रहा है। इसके अलावा हमारी जो एलीट टीम्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं। हमारे जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर नाका जात हैं वो भी लगे हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि ईद उल फितर जो है वो मुकम्मल एक पुरअमन और जो मजहबी हम आहंगी के और ख़ुशियों के साथ जो है उसको इंश्योर किया जाए कि लोग वो मना सकें अपने घरों के अंदर और अपने शहरों के अंदर। इस मौके ऊपर ये भी देखने में आया कि लोग जो हैं मन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी, पतंगबाजी और जो फायरिंग है, हवाई फायरिंग, इस तरह की जो शिकायत वो सामने आती हैं। मैं इस मौके पर ही बताना चाहता हूँ कि पुलिस इन मामलों से सख्ती से डील करेगी। तो खुदारा इस खुशियों के इस मौके के ऊपर इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि हमने कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी खुशियों को इंजॉय करना है। मेरी इसके अलावा ये भी अपील है कि हमें इस मौके के ऊपर उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं। बेवा, यतमा, डेस्टिट्यूट, माजूर अफराद, उनको भी हमें साथ पूरे अलॉन्ग करना चाहिए और ईद की खुशी में उनको भी अपने साथ शामिल करना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक दफ़ा फिर तमाम लोगों को ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मुबारक करे और उसकी मुबारकबाद में देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।